अगर आपने मेरा पर्पल हॉल वीडियो देखा है तो आपको पता होगा इस डब्बे के बारे में। ये प्लम का एलोवेरा जेल है, इट इज प्लम हेलो एलो जस्ट जेल। और मैंने बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस लेकर जरूर आऊंगी, सो हियर आई एम विथ माई एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 99% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, प्लस इसमें कोई भी एडेड कलर या फ्रेग्रेंस नहीं है। ये 250 ग्राम का टब है और इसकी MRP है 395 रुपीज़। पर अगर आप पर्पल से लेते हैं, नायका से लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं या फिर आप प्लम के वेबसाइट से लेते हैं तो ज़्यादातर आपको डिस्काउंट रेट में ही ये मिलता है। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। ना एलोवेरा जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। रैशेज, रेडनेस, कोई आपको सनबर्न हो गया है, बर्न हो गया है, वूंड्स हैं, इन सारी चीज़ों को हील करने में, काम करने में एलोवेरा बहुत हेल्पफुल होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसके साथ। मैंने जब पहली बार विटामिन सी यूज़ किया था, मुझे पता नहीं था कि कैसे यूज़ करना है, तो मैंने उसको गलत तरह से लगाया था जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर गया था मेरी स्किन पे और मेरा पूरा चेहरा रेड हो चुका था, छोटे छोटे दाने निकल गए थे, मुझे ईचिंग हो रही थी, जलन हो रही थी। तब एलोवेरा केम टू रेस्क्यू। एलोवेरा ने ही मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और मैंने सिर्फ 2 दिन तक एलोवेरा जेल ही लगाया था अपने फेस पर और कुछ नहीं लगाया था। एंड यू वोंट बिलीव, इमीडिएटली मुझे राहत मिल गई थी और 2 दिन में मेरा वो जो रिएक्शन था वो ठीक हो चुका था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एलोवेरा जेल के साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये वाला एलोवेरा जेल परचेज किया। सेकेंड इन्ग्रीडियंट है ग्लिसरीन, ये एक ह्यूमेक्टेंट है। थर्ड वन इज जैंथन गम। ना क्योंकि एलोवेरा जूस जो है वो बहुत ज़्यादा रनी होता है, बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी का होता है जब वो जूस हो जाता है, तो आई गेस उसको बाइंड करने के लिए, उसको थिक करने के लिए उन्होंने डाला है जैंथन गम, बिकॉज जैंथन गम जो है वो एक थिकनिंग एजेंट है। फिर है सोडियम ग्लूकोनेट, एक स्किन कंडीशनिंग एजेंट है। रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट हम सब जानते हैं कूलिंग सूदिंग स्किन कंडीशनिंग एजेंट है। हम सबको रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट स्प्रे करना फेस पर बहुत अच्छा लगता है। फिर है बेंजाइल अल्कोहल। ना बेंजाइल अल्कोहल मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज ये एक सेफ प्रिजर्वेटिव कहा गया है, एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी अपनी एक भीनी भीनी मीठी सी खुशबू है। पर अगर आप यहाँ पर क्लिपिंग देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने एलर्जेंस में इसको सर्च किया तब उसमें बेंजाइल अल्कोहल का नाम एडेड था। नाउ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सुपर सेंसिटिव है, उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन ये दे सकता है। फिर है सैलिसिलिक एसिड। हम सब जानते हैं सैलिसिलिक एसिड एक केमिकल एक्सफोलिएटर है, ऑयली एक्नीप्रोन स्किन के लिए ब्लेसिंग है ये, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। जब हमारे फेस पर एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमारे पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं, और जब पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं तो एक्नी फॉर्म नहीं होता है। इनफैक्ट ये एंटी एक्नी एजेंट है, जो एक्नी होती है उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस सैलिसिलिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। ना कुछ लोगों को सैलिसिलिक एसिड से प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है, रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो उनके लिए भी सैलिसिलिक एसिड इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉब्लम कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड भी एक प्रिजर्वेटिव है, प्लस ये किसी किसी सेंसिटिव स्किन पर हल्की फुल्की इचीनेस दे सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल में सर्च करी है, आप भी चाहें तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को गूगल में सर्च कर सकते हैं। टब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर टब है, पर ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है बिकॉज काफ़ी स्पेस लेने वाला है ये डब्बा। एंड सेकेंडली कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है, इसीलिए गिरने का चांस भी हो सकता है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर इसका बहुत ही ज़्यादा रनी है, एज यू कैन सी बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी का है इसका टेक्सचर। फ्रेग्रेंस इज अनबेरेबल,
मे बी द रीजन इज, मुझे जो लगता है इसमें बेंजाइल एल्कोहल है, इसमें रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स हैं, एंड आई गेस उनकी अपनी जो खुशबू है वो उसका शायद एक मिक्सचर है, इसमें जैंथन गम भी है, उसका भी अपना एक ओडर होता है, तो इन चीजों की वजह से इसका जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा अनबेरेबल है, लगाना बहुत टफ हो जाता है। मैंने जब इसको लगाया है, मैं ही जानती हूँ कि मैंने उस स्मेल को, उस फ्रेग्रेंस को कैसे टॉलरेट किया है। इसका फ्रेग्रेंस प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से स्टिकी है, तो मैं इसी को ही हाथ पर लगाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नो डाउट ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है, एज यू कैन सी कि यहाँ पर भी ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया है, बट अगेन इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अनबेरेबल है। प्लस जब आप इसको इस तरह से हाथ पर लगाते हैं, ये सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद हाथ जो है वो इस तरह से स्टिक होता है, मतलब चिप चिप होता है, ये सारी चीज़ें चिप चिप होती हैं, एज इफ शायद आपने गम लगाया है। तो ये जो स्टिकीनेस है आई थिंक ये उस जैंथन गम की वजह से है, आई डोंट नो, बट ये चिप चिप करता है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ खट्टा मीठा है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको अप्लाई किया था, मैंने शाम को अप्लाई किया था बेयर फेस पर, तो ये इमिडिएटली मेरे डैम्प फेस पर एब्जॉर्ब हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड टचवुड इसने मुझे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश किया, आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि ये बिल्कुल मास्क की तरह स्लिप होकर निकल रहा था मेरे फेस पर, ये अंदर गया ही नहीं शायद मेरे ख्याल से, बिकॉज जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं या सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर कोई और एलोवेरा जेल लगाते हैं वो अंदर चला जाता है, और जब हम पानी से फेस धोते हैं वो स्लिप होकर निकलता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है हमारे फेस पर इट वॉज लाइक एन अनविजिबल मास्क ऑन माई फेस। ये था वहाँ पर पूरे रात, ये वहीं पर था, फेस पर ही था, और जब मैंने पानी से नेक्स्ट डे फेस धोया तो ये बिल्कुल स्लिप होकर निकल रहा था। इट वॉज लाइक द फीलिंग वॉज लाइक गम, एज इफ मैंने फेस पर कोई गम लगाया था और उसको मैं वॉश ऑफ कर रही हूँ, तो वो जो स्लिपरी फीलिंग होती है जब आप गम वाला हाथ धोते हैं, तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। सेकेंड एक्सपीरियंस, मैंने एक दिन के बाद इसको लगाया था शाम को, और 10 मिनट के बाद मैंने प्लेन वाटर से फेस वॉश किया। जब मैंने फेस वॉश किया तो सिर्फ ये एलोवेरा जेल ही स्लिप होकर नहीं निकला, इसने अपने साथ साथ मेरे फेस के नेचुरल मॉइस्चर और नेचुरल ऑयल को भी रिमूव कर दिया था। हेंस मेरा फेस जो है बिल्कुल ड्राई, रूखा सूखा, बेजान सा हो गया था। अगेन इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार जब मैंने आईब्रो कराया, मैंने इसको अप्लाई किया आईब्रो के बाद, सो दैट मैं देखना चाहती थी कि कैसा परफॉर्म करता है, एंड आई एम सो हैप्पी कि इसने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। इमिडिएटली मेरा जो वो बर्निंग सेंसेशन था वो जा चुका था, जो रेडनेस थी वो जा चुकी थी, और नेक्स्ट डे जब मैंने फेस वॉश किया, ये आईब्रो वाला पोर्शन जब मैंने वॉश किया, अगेन वो स्लिप होकर तो निकल ही रहा था पर कोई भी कट्स नहीं थे, जबकि आई वॉज 100% श्योर कि मुझे कट्स फिर से आएंगे, बिकॉज मैं जब भी आईब्रो कराती हूँ मुझे कट्स हमेशा आते हैं, पर इस बार आई वॉज सो हैप्पी कि कोई भी कट्स नहीं थे। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि जो एलोवेरा का जो काम होता है, जो बर्न्स को या फिर रैशेस को, रेडनेस को, इचिनेस को, इन सारी चीज़ों को हील करने का जो काम होता है, जो प्रॉपर एंटी इन्फ्लामेटरी का जो काम होता है एलोवेरा का, ये एलोवेरा जेल जो है ये वो काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मैं ये एक्स्ट्रा क्लिप यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, द रीज़न इज़ मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको जेल को जितने अलग अलग तरह से लगाया है वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ, प्लस एट द सेम टाइम आपको फेयर चांस मिले ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ये जेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एंड अगर आपके पास ये जेल है और आपको भी मेरी तरह ये फेस पर सूट नहीं किया है, तो आप इसको और कितने मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मैंने पहली बार इसको यूज़ किया था थ्रेडिंग के बाद, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया वैक्सिंग के बाद, ना जनरली क्या होता है कि मैं जब भी वैक्सिंग कराकर उसके ऊपर आइस रब करती हूँ, फिर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरे पैरों पर स्पेशली छोटे छोटे वो रेड बम्स हो जाते हैं। आई डोंट नो आपके साथ ये होता है या नहीं, पर मेरे पैरों पर ये हो जाता है और वो काफ़ी दिनों तक रहता है। तो मेरी जो स्किन है पैरों की वो सिल्की स्मूथ नहीं होती है,
इस बार मैंने क्या किया कि मैंने वैक्सिंग के बाद आई स्क्रब नहीं किया या कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट इस जेल को अप्लाई किया था और इमिडिएटली जो बर्निंग सेंसेशन थी वो तो ठीक हो ही चुकी थी, पर नेक्स्ट डे मेरी स्किन जो थी वो बहुत ही सिल्की स्मूद हो चुकी थी, मतलब वो बिल्कुल फाइन जिसको बोलते हैं बिल्कुल वैसी हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और वो बम्प्स भी नहीं उठे थे। तो वैक्सिंग के बाद भी इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। थर्ड जो था वो ये कि मैंने इसको कंडीशनर की तरह लगाया था और लगाकर 2 मिनट छोड़ा था और फिर उसके बाद प्लेन वाटर से मैंने रिंस ऑफ कर दिया था। मैंने आज भी शैम्पू किया है, आप देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। यस, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई हेयर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं है मेरे बालों में। मैं कोई सेरम यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं बालों के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एज यू कैन सी मेरे बालों की कंडीशन आप अभी देख सकते हैं। तो मेरी जो फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम थी वो आई कैन से कि 90% सॉल्व हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नेचुरल चीज़ मैं अपने बालों को दे रही हूँ जो कि फर्दर आगे जाकर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड यस, कोई भी हेयर फॉल जो है वो एक्स्ट्रा नहीं हुआ इसकी वजह से, जो नॉर्मल हेयर फॉल है मेरा वही हुआ, इसकी वजह से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा हेयर फॉल नहीं हुआ। द फोर्थ इज़ मैंने इसको अपने उपटन में मिक्स करके लगाया था टू सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। आई कैन से कि इसने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया लेकिन इसने कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं किया। तो उपटन में जो मैंने मिक्स करके इसको लगाया था उसका एक्सपीरियंस मेरा कम्प्लीटली न्यूट्रल था। तो इतने मल्टीपल वे में मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने आपको बताया है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है सिर्फ 2 साल की ही है। तो जब फेस पर ये सूट नहीं किया तो आई वॉज रियली डिसहार्टन कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, अब क्या करूँ। तो इस तरह से जब मैंने इसको मल्टीपल वे में यूज़ किया तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं इसी तरह से इसको यूज़ करके कम्प्लीट फॉर श्योर करूँगी क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। इतना बड़ा डब्बा है, मेरे पैसे लगे हैं, तो मैं इसको इसी तरह से यूज़ करके कम्प्लीट करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फटाफट कर दीजिए, अपना थोड़ा सा प्यार मुझे दे दीजिए। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।